नाउ वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 5.3 एपी का हम निकालेंगे सम एक्सरसाइज 5.3। देखो बेटा अब क्या सिखाया मैंने, एपी मैंने समझा दिया एपी किसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम आपको सिखाएंगे 2, 7, 12 ऐसे करके, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे 10th टर्म तक, क्या बोला मैंने, 10th टर्म तक का सम क्या होगा। सम सम का फॉर्मूला होता है एपी का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डे फॉर्मूला होता है। एन कितने, देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसे उन्होंने बुक में दे रखा कितने टर्म है, 10 टर्म है, तो एन की जगह क्या लगाएंगे हम लोग, 10। एक इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, 2 2 4, ठीक है। टर्म 10 है, एन 10 है, 10 में से 1 गया 9। डी कितना है, 2 के बाद 7, 7 के बाद 12, 5 5 बढ़ता जा रहा है, तो डी कितना हो गया आपका 5। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमारा आंसर निकल जाएगा, 9 5 45 45 प्लस 49, ठीक है। 10 upon 2 into 49 2 5 10, 49 5 कितना हो गया आपका 245। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का आंसर हमारा कितना आ गया 245। अब सेकंड वाला, सेकंड पार्ट में दिया उन्होंने -37 -33 -29 -29, और ये दिया उन्होंने 12 टर्म, टर्म का मतलब एन ए। देखो -37 -33, आपको डी निकालना है, क्या निकालना है डी, तो पहला लाइन ही गड़बड़ मत कर देना। डी कैसे निकलेगा, इसको घटाना है इसमें से, -33 में से माइनस करना है किसको, -37 को, -33 + 37, डी कितना आ गया आपका 4। एक इसे बोलते हैं फर्स्ट वाले टर्म को, क्या निकालना है आपने, एस एन, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन कितना है 12, तो एस एन मतलब एस 12 निकालना, 12 upon 2, 2 into a, 2 into -37 प्लस एन माइनस वन डी, 12 - 1 = 11, और डी, डी कितना है 4, 12 upon 2 = 6, मल्टीप्लाई करना 2 into 37 - 74, 11 4 = 44, -74 + 44 कितना आएगा आपका -30 आएगा, 6 into -30 कितना हो गया -180। ये सेकेंड पार्ट हो गया हमारा, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है आपका, 0.6 1.7 2.8 -, ऐसा दिया उन्होंने 100 टर्म, तो यहाँ लिख दिया n = 100 है भैया, ध्यान से सुन लीजिए, कन्फ्यूज मत हो जाना आप। इसके बाद हमारा खेल है s100 निकालना है, फॉर्मूला n upon 2 2a + n - 1d, n की जगह 100 upon 2, a कितना है 0.6, 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 1.2, 100 में से 1 गया 99। डी निकालना है तो इसको घटाना है किसमें से, 1.7 में से, तो जो डी की वैल्यू है, डी आएगा 1.7 में से 0.6 को माइनस करा 1.1, 100 upon 2 50, ये 1.2, 99 into, क्या बोला मैंने, 99 into 11, 1 9 9 1 9 1 9 9 1 9 18, 1089, एक प्लस के बाद डेसिमल 108.9, देखिए ध्यान से देखते जाएंगे हम खेल, 108.9 और 1.2, 9 2 11 10 9 2 11 हो गया 8 9 10, तो 110.1 प्लस माइनस करा, मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 5 5 0 5। इस तरीके से मैंने इसकी थर्ड पार्ट, तीन पार्ट का भी, चौथा वाला पार्ट मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे पार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, इसको फोर्थ वाले पार्ट के लिए हम लोग करेंगे इसमें बेटा 1 upon 15 1 upon 12 1 upon 10 -, और ये दिया मैंने आपको 11 टर्म, एन कितना है 11, सेम फार्मूला, ठीक है, सेम फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, s11 n upon 2 2a + n - 1 d। सबसे पहले क्या निकालो, डी, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/15 को माइनस करेंगे,
एक बटा बारह में से वन अपॉइंट ट्वेल्व में से वन अपॉइंट फिफ्टीन, बारह और पंद्रह का क्या निकालेंगे एल सी एम, थ्री फोर जो ट्वेल्व, थ्री फाइव जो फिफ्टीन, पाँच जो बीस, सिक्सटी क्या आ गया इसका एल सी एम, ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी, फिफ्टीन फोर जो आंसर आ गया वन अपॉइंट सिक्सटी, डी नंबर निकल गया। एन कितना है एलेवन, एलेवन अपॉइंट टू, ए कितना है वन अपॉइंट फिफ्टीन, टू इंटू वन अपॉइंट फिफ्टीन, एन माइनस वन मतलब एन कितना एलेवन, एलेवन माइनस वन टेन, डी कितना है वन अपॉइंट सिक्सटी। अब खेल आसान है, एलेवन अपॉइंट टू, जीरो जीरो कट कैंसिल, टू अपॉइंट फिफ्टीन प्लस वन बाई सिक्स, टू अपॉइंट फिफ्टीन प्लस वन बाई सिक्स आप निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा वन कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू में ढंग से पढ़िए, बुक सामने रखिए, बिना बुक रख करके पढ़ना बेकार है, तो अपना समय आप बर्बाद कर रहे हो अगर आप बिना बुक बिना कॉपी और पेन के पढ़ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है वो हमें, ये सेवन है, ठीक है, फिर वो कह रहा है सेवन प्लस टेन एंड हाफ प्लस फोर्टीन डैश 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 एटी फोर, इनका सम निकालो बोला, इनका सम निकालो बोला। तो इसमें खास बात क्या, इस बार क्या नज़र आ रहा है, ए नज़र आ रहा है, डी नज़र आ रहा, पर एन नज़र नहीं आ रहा, तो आपने क्या ढूंढना है, सबसे पहले एन फॉर्मूला क्या लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो लास्ट टर्म क्या है इसका 84, ए एन की जगह 84, ए की जगह 7, एन हमें नहीं मालूम, डी कितना है 7 के बाद साढ़े दस मतलब साढ़े तीन पड़ गया, साढ़े तीन का मतलब क्या हो गया 7/2। किसी बच्चों को समझ नहीं आया, कमज़ोर है बेचारा, तो देखो डी कैसे निकलेगा, 7 को माइनस करना है 10.5 में से, 10.5 में से 7 को माइनस करना है, देखो मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ, 21/2 माइनस 7 एल सी एम 2 14 आंसर आ गया 7/2, डी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 84 में से 7 गया 77 एन माइनस 1 7/2, 77 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के साथ, यहाँ एन माइनस 1 लिखा और ये 7 आपका नीचे आ गया, 7 11 जा 11 2 जा 22 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आ करके प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 23, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 23। तो क्वेश्चन नंबर हमारा टू का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड थर्ड पार्ट सेम बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप पढ़ेंगे आप करेंगे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर थ्री पूरा ढंग से कर लिया, जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर थ्री ढंग से कर लिया, इसका मतलब उसे एपी का 50% आ गया, एपी का 50% मतलब समझ आ गया एपी किसे बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, ए 5 है, डी 3 है, ए 5 है, डी 3 है, ठीक है, और ए एन कितना है 50, आपको ढूंढना है फाइंड एन, फाइंड एन एंड एस एन, देखो ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, ये और ये ढूंढना है, ए एन, ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन की जगह 50 लगाओ, ए की जगह 5 लगाओ, एन हमें मालूम नहीं है, डी कितना है 3, अब 50 में से 5 चला गया, ये प्लस 5 आ गए 45, क्या बचा एन माइनस 1 अपॉन 3, देखो एन माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 से आप 45 को डिवाइड कर सकते हो, 45 को 3 से डिवाइड करा 15, एन माइनस 1 15, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16, तो पहला एन की वैल्यू निकल गया, पहला आंसर तो हमारा आ गया। अब एस एन निकालना है, एस एन निकालना बिल्कुल आसान है, अब एस एन निकालने का फॉर्मूला एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1, या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, ये आपको आना ही चाहिए, एन की वैल्यू 16 अपॉन 2 टू इन टू ए, ए कितना है आपका 5, ए कितना है आपका 5, 2 5 जो 10, एन कितना 16 में से बन गया 15, और डी कितना है, डी ध्यान से देखो डी दे रखा उन्होंने 3, ठीक है, तो ये 16 अपॉन 2 का मतलब 8 10 15 3 से 45, 45 और 10 55, 8 इंटू 55, क्या बोला मैंने 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 करेंगे क्या आ जाएगा 440। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट में कह रहा हमें कि ए का वैल्यू
सेवन है और ए थर्टीन 35 है। आपको क्या निकालना है, फाइंड डी, एक डी निकालना है और एस 13 निकालना है। ए 13 35, ए 13 मतलब 13वां टर्म 35 के बराबर है। ए 13 फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 13 की जगह 35, ए की जगह 7, एन कितना है 13, 13 में से एक गया 12, डी हमें नहीं मालूम, डी हमें ढूंढना है। 35 में से 7 गया 28 इजिकल टू 12 डी, डी का वैल्यू 28 अपॉन 12, 3 4 जा 3 से तो डी कितना आ गया आपका 7/4, पहला आंसर आपका निकल गया। अब ढूंढना है आपने एस 13, क्या ढूंढना है आपने एस 13, एस 13 इजिकल टू एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह क्या लगाएंगे हम लोग 13 अपॉन 2, 2 इंटू ए, ए कितना है 7, 2 7 जा 14, एन कितना है एस 13 की बात हो रही, 13 में से बन गया 12, डी कितना है 7/4। बहुत आसान से फार्मूला लगाता रहा हूँ, आंसर निकलता चला जा रहा है। 4 3 जा 12, 3 7 जा 21, 21 14 को जोड़ा, 21 एंड 14 को जोड़ा कितना आ गया आपका 35, 35 इंटू 13। जब भी कोई काम करते हो इंजॉय करो, महसूस करो उसको। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारे सामने कोई बैठा नहीं है, हम खाली बड़बड़ा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि तुम हमारे सामने बैठो और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और इसलिए अपने मन को हम पूरा 100% नहीं दे रहे हैं। ऐसा आप कर नहीं पाते हो, इसलिए आप पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या बोला मैंने, 4 5 5/2 बताया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड का कौन सा वाला पार्ट किया, थर्ड क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है कि फर्स्ट पार्ट है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा। एस 13 445, ये तो रॉन्ग आ रहा है, मेरा दिख रहा है, जरा चेक करें इसमें इसकी वैल्यू क्या आई हमारी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड, डी इक्वल टू 7/3 है, और यहाँ 4 7 28, 4 3 8, डी है 7/3 है, यहाँ गलती करी मैंने, ये 7/3 है। 3 4 12, 4 7 28 प्लस 14 कितना 32 10 42, ठीक है राउंड किया, 13 into 42 into 21 13 जा कितना आएगा आपका 273, कितना आएगा 273, या 21 को 13 से मल्टीप्लाई करके 273 आएगा। तो ऐसा करके थर्ड का मैंने दो पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमें करना है थर्ड का कौन सा वाला पार्ट, थर्ड पार्ट करना है, ठीक है, थर्ड का थर्ड पार्ट। ये सारे पार्ट बहुत बढ़िया हैं। ए 12 क्या दिया उसने हमें, ए 12 की वैल्यू 37 और डी की वैल्यू 3 थी, डी की वैल्यू कितनी थी 3 थी, ए 12 डी की वैल्यू 3 थी और आपको बोला ए निकालो, फाइंड ए और एस 12 निकालो बोला। ए 12 37, ए 12 का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ए 12, ठीक है। ए 12 की जगह हमने लगा दिया 37, ए हमें नहीं मालूम, एन कितना है 12, 12 में से बन गया 11, डी कितना है 3, ए प्लस 33 इक्वल टू 37, ए का वैल्यू कितना आ गया 4, तो आंसर ए निकल गया। अब क्या निकालना है, एस 12 इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1d। देखो n की जगह लगाओ आप इसमें, n की जगह क्या लगाओगे आप लोग 12 अपॉन 2 2 इंटू ए, ए कितना है 2 4 जा 8, एन माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 11, और d कितना लगाना है 3, तो 12 अपॉन 2 का मतलब 6, 33 और 8 कितना हो गया हमारा 41, 41 6 जा 6 कितना आ गया हमारा 246, तो S12 भी हमारा निकल गया। थर्ड का थर्ड पार्ट भी खत्म, अब थर्ड का फोर्थ पार्ट, ये मैं सारा करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ आपको ढंग से समझ आ जाए, आपको प्रॉब्लम ही ना आए। A315 क्या लिख रखा है इसने, A315 मतलब थर्ड टर्म 15 के बराबर है। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे,
ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म को ऐसे लिखा जाता है 15, ठीक है, ये हो गया ए प्लस टू डी 15। और इन्होंने दिया थर्ड का फोर्थ वाला पार्ट दे रखा इन्होंने, और एस टेन क्या दिया इसने, एस टेन 125, एस टेन 125। देखो ए प्लस टू डी 15, एक ये इन्फॉर्मेशन है, दूसरा इन्फॉर्मेशन है एस टेन इज इक्वल टू 125, एस टेन इज इक्वल टू 125। अब एस टेन 125 जो दिया रखा है इसको क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एस टेन, ठीक है। अब एस टेन की जगह तो लगा दो 125, एन की जगह 10 अपॉन टू 5, ठीक है, ए हमें नहीं मालूम, एन मालूम, एन कितना है 10, 10 में से 1 या 9, डी भी नहीं मालूम 90। अब यहाँ देखो 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 125, सो 2a प्लस 90 125, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो तो यहाँ की डिवाइड, 2a प्लस 90 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जादू कौन सा वाला, फर्स्ट से देख रहे हो तो ए की वैल्यू है 15 माइनस टू डी, ए की वैल्यू क्या नज़र आ रही है 15 माइनस टू डी, ठीक है, 2 इंटू 15 माइनस टू डी प्लस 90 इज इक्वल टू 25, 215 जो 30, 22 जो 40 प्लस 90 इक्वल टू 25, ठीक है, 90 में से 4D गया 5D 25 प्लस 30 ज़रा करके माइनस 30, 5D इक्वल टू माइनस 5, डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस 1 आ गई, थर्ड के फोर्थ में D की वैल्यू हमारी माइनस 1 निकल गई। एक तो हमने ये निकालना था, एक आंसर हमारा आ गया, एक हमने निकालना है इसमें फोर्थ पार्ट में A10 क्या निकालना है, A10 दूसरा ये निकालना है, एक ये निकालना था, एक ये निकालना A10 A10 का मतलब क्या हो गया A प्लस 90, ए प्लस क्या हो गया हमारा 90, ठीक है, ए प्लस 90, ए प्लस 90 का मतलब हो गया हमारा ए प्लस 90। अब खेल में देखो डी माइनस 1 निकल रखा है, हमें पता है 2a प्लस लाइट, 2a प्लस देखो अब डी का वैल्यू माइनस 1 है, 2a प्लस 90 इक्वल टू माइनस 25, डी की वैल्यू माइनस 1, 9 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 25, 2a इक्वल टू माइनस 25 माइनस 9 प्लस 9, 2a का वैल्यू माइनस 16, a का वैल्यू कितना हो गया माइनस 8। अब a माइनस 8 निकल चुका है बेटा, a 10 निकालना है, अब खेल खत्म है, a की जगह माइनस 8 और d की जगह क्या निकालेंगे माइनस 9 इंटू माइनस 1, माइनस 8 माइनस 9 आंसर आ गया माइनस 17। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोगों ने क्या करा, कौन सा पार्ट निकाला हमने, फोर्थ पार्ट निकाला, फोर्थ पार्ट में हमने डी की वैल्यू माइनस 1 निकाली और ए टेन निकालना, ए प्लस 90, ए की जगह हमने क्या लगाया माइनस 8, ठीक है, ए की जगह हमने माइनस 8 ही लगाया, हाँ, टू ए प्लस 90 इक्वल टू, टू ए प्लस 90 25, तो सॉरी ये प्लस में आएगा, ये प्लस में दे रखा है 25 प्लस 9 34 हो गया, 2a इज इक्वल टू 34, ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा 17, ए की वैल्यू 17 आ गया, बस आग थोड़ा अंधेरा हो जाता तो फिर आग भी हमारा धोखा दे देता है, ठीक है। तो हमारा क्या निकाला, a निकाल के हमारा 17, 90, d कितना हमारा माइनस 1, तो 17 में से 9 माइनस हुआ क्या आंसर आ गया 8, ये दूसरा आंसर, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, दोनों आंसर हमारे निकल गए। तो मैंने थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट तक के आपको क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है। अब हम आपको करेंगे इसका अगला वाला पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका करेंगे थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। थर्ड का फिफ्थ पार्ट बोलता है हमें, थर्ड का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट कहता है हमें गिवन डी इज इक्वल टू 5, डी कितना है 5, ठीक, और एस नाइन इज इक्वल टू नौ टर्म का हम 75, फाइंड ए, ए निकालना है एंड ए एंड ए नाइन, ए एंड ए नाइन, देखो पहले समझो, हाँ डी 5 है, एस 9 75, ठीक है, डी 5 और एस एन 75, एस एन का मतलब
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन की जगह एस नाइन की जगह क्या लगाया मैंने 75, एन की जगह नाइन अपॉन टू टू इंटू ए ऐसा रहेगा, ठीक है। ये एस नाइन है, नाइन तो एन की जगह नाइन आ गया, नाइन में से बन गया एट, और डी डी कितना देगा इसमें 5। आराम से अब आंसर निकल जाएगा। 75 टू जा 150, ये 9 है, ये 2 है, 8 5 जा 40, 9 टू जा 18 है, 49 जा 360, ये 150। अब प्लस 360 इधर आ करके माइनस 360 तो माइनस 210 क्या आ गया, माइनस 218 है। तो ए की वैल्यू माइनस 210 बटा 18, 63 जा 18, ठीक है, 63 जा 18, ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी माइनस 35 अपॉन 3। ये ए हमारा निकल गया। अब ए 9 निकालना है, क्या निकालना है, मैं जगह भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ए 9, ए 9 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 9 निकालना है, 9 मतलब एन में से वन गया, तो क्या निकालना है, ए प्लस 8 डी की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 35 अपॉन 3, और डी डी 5 है, ठीक है, माइनस 35 अपॉन 3, 8 5 जो 40, एलसीएम 3 माइनस 35, 1 3 जो 3 43 जो 120। अब 120 में से 35 को आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 120 में से 35 को माइनस करना तो क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85 आंसर आ गया, 85 अपॉन 3। इस तरीके से मेरा फिफ्थ पार्ट भी हो गया, ठीक है। नाउ आई विल गोइंग सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट हमारा कहता है गिवन ए इज इक्वल टू टू, सिक्स्थ पार्ट कह रहा है ए इज इक्वल टू टू, ठीक है, और डी इज इक्वल टू एट, ए टू के बराबर है, डी एट के बराबर है। एस एन इज इक्वल टू 90, फाइंड एन, एक एन निकालना है एंड ए एन निकालना है, एन निकालना है, ए एन निकालना है। देखो ए टू ए डी एट है, एस एन इज इक्वल टू 90, फाइंड एन एन ए एन लिख रखा है। खेल शुरू करते हैं एस एन से, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू 90, एस एन का मतलब हो गया एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 90। हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह टू लगाएंगे, एन की जगह तो ऐसे रहने देंगे, ए की जगह टू लगाएंगे, टू टू जब फोर, एन की जगह ऐसे रहने देंगे, डी की जगह क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, इक्वल टू 90। अब ध्यान से देखते जाना है, 92 जा 180, एन 4 प्लस 8 एन, 8 वन जा 8, 2 इंटू 90 180 एन। देखो 8 एन 4 में से 8 गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अब हमारा जो खेल बन रहा है वो हमारा बन रहा है इसका, देखो 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन इज इक्वल टू 180, सारे के सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2n स्क्वायर माइनस n 4 जा 16 45, और 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो तो 90, जोड़ो तो माइनस का 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जादू, माइनस 10n प्लस 9n, 10 में से 9 गया 1, 10 9 जा 90। दोनों में क्या कॉमन है, 2n कॉमन है n माइनस 5, या 9 कॉमन है n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 की वैल्यू 0 से प्रूव होता है कि n की वैल्यू कितनी है इसमें, 5 है। इधर से भी आंसर निकलेगा पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि n होल नंबर नहीं भी आएगा और n वैसे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैंने इसके 6 पार्ट ख़त्म कर दिए। मैं चाहूँगा कि 4 पार्ट पर और करूँ, ठीक है, फिर भी 24 मिनट का वीडियो मेरा हो चुका है, लेकिन मैं 4 पार्ट और करना चाहता हूँ ताकि ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। ये क्वेश्चन सीखना बहुत ढंग से आपको ज़रूरी है। सेवन्थ वाला पार्ट कह रहा है मुझे इसमें कि a इज इक्वल टू 8, a कितना है इसमें, 8 है, a 8 है, और an इज इक्वल टू 62, an इज इक्वल टू 62, और sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n,
फाइंड एन एंड डी। तो ए एन इजिकल टू 62, एस एन इजिकल टू इतना, तो पहला जादू चलेगा हमारा ए एन इजिकल टू 62, इसका मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी इजिकल टू 62 के बराबर। ए की जगह 8 लगाओ तो क्या आएगा बेटा, एन माइनस वन डी 62 में से 8 माइनस करा 54, इक्वेशन नंबर दूसरा दिया उसने एस एन इजिकल टू 210, एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, एस एन की जगह 210 एन अपॉन टू, क्या बोला मैंने, एन अपॉन टू 2 इंटू ए, ए 8 है, 28 जा 16। अब ये एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी की जगह क्या लगा जाएगा, 54 लगाया जाएगा, 210 एन अपॉन टू 54 16 10 70, तो एन की वैल्यू 210 इंटू 2 70 या नीचे आ गया, 0 0 कट कैंसिल, 73 जा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 6, एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन्थ पार्ट हो गया, ठीक है भाई। अब एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट में हमारा है कि ए एन इज इक्वल टू 4, एन कितना है आपका 4 है, ठीक है, ए एन 4 है हमारा, और इसके बाद ये बोल रहे हमें कि डी 2 है, डी कितना है 2 है, और एस एन इज इक्वल टू माइनस 14, ए एन इज इक्वल टू 4 डी 2 है, सिंपल सा खेले, ए एन इज इक्वल टू 4 का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 डी 4 के बराबर है, डी की जगह 2 लगा दो, डी की जगह 2 लगा दो तो क्या आ गया, ए प्लस 2n 2n जा 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन हमारा प्यारा सा इक्वेशन बन गया। दूसरा दे रखा एस एन इज इक्वल टू माइनस 14, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d, ध्यान से देखिए एस एन की जगह माइनस 14 एन अपॉन टू, ए हमें नहीं मालूम, ए की जगह ए रहेगा, ठीक, एन माइनस वन डी, डी की जगह 2 आएगा, डी की जगह 2 आएगा, 14 टू जा 28, ध्यान से देखते जाइए, अब ये 2a प्लस 2n 2n जा 2, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, माइनस 28 एन 2a, देखो अब ये 2a प्लस 2n माइनस 2, अब यहाँ से इस a की जगह, केवल a एक अननोन नंबर है, इस a की जगह लगाएंगे 6 माइनस 2n, a की जगह क्या लगाएंगे 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, देखते जाओ माइनस 28 n, 2 6 जा 12, 2 2 जा माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, देखो माइनस 200 एन 12 में से 2 गया 10, माइनस 4n प्लस 2n ये माइनस का 2n, 10 इंटू एन 10 एन, एन इंटू माइनस 2n 2n स्क्वायर, ये माइनस 28, अब ये हो गया 10 एन माइनस 2n स्क्वायर माइनस 20, ठीक है, अब ये 2n को स्क्वायर को इधर ले आओ, 2n स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से जाइए 2n स्क्वायर ये लिख रखा है इधर ले आए, प्लस 10 एन यहाँ के माइनस 10 एन माइनस 10 एन माइनस 20 इक्वल टू जीरो, ऐसा बन गया सीन, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो एन स्क्वायर माइनस 5 एन माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया आपका 14, देखो मल्टीप्लाई करो तो 14 और ऐड करो तो 5, माइनस 7 एन प्लस 2 एन, 7 एन में से 2 एन गया 5 एन, ठीक है, माइनस 14 इक्वल टू 0, एन कॉमन एन माइनस 7, ठीक है, 2 कॉमन एन माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू या तो 7 या एन की वैल्यू माइनस 2, ये हो नहीं सकता, देयरफॉर एन की वैल्यू क्या मानी जाएगी इसमें 7 मानी जाएगी, और आपको क्या निकालना, ए निकालना, क्या निकालना ए, अब देखो ए क्या है, मैं लिख रखा ए प्लस 2 एन 6 है, क्या लिख रखा मैंने, ए प्लस 2 एन 6 लिख रखा है, ए प्लस 2 एन 6, एन की जगह 7, 2 इंटू 7 14, ए प्लस 14 इक्वल 6, ए 6 में से 14 गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस 8 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 8। अब नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन हमारा रह गया, नाइन्थ एंड टेंथ क्वेश्चन हमारा रह गया, 29 मिनट का वीडियो बन चुका है हमारा,
ठीक है, फिर भी हमें दो क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, नाइन्थ वाला कह रहा है हमें गिवन ए इज इक्वल टू थ्री, ए थ्री है, एन इज इक्वल टू एट और एस इज इक्वल टू 192, आपको क्या निकालना है डी। खेल सिंपल है, एस का मतलब सम ऑफ एन टर्म, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन, ये हो गया फॉर्मूला। एस एन की जगह 192, एन की जगह 8, 2 इंटू ए टू थ्री जा सिक्स, एन की जगह 8, 8 में से 1 गया 7, 70 हो गया, 2 4 जा 8, 6 प्लस 70 192, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 डी। 192 में से 24 को माइनस करो, 12 में 4 गया, कितना आ गया आपका 118, कितना आ गया आपका 118, 192 में से 12 में से 4 गया 8, ठीक है, और 8 में से 2 गया 6, 168, 168 इज इक्वल टू 28 डी। डी का वैल्यू 22 किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 4 से 20 है, 7 दूनी 14, 2 8 28, 7 4 10, तो डी की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी, 6 निकल गया। डी की वैल्यू कितनी निकल गया, 6। इस तरीके से मेरे खेल क्या हो गया, समाप्त हो गया। मेरा लास्ट पार्ट रह गया इसका 10th वाला। अब एल 28, एल का मतलब लास्ट टर्म, एल का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस वन डी, क्या दिया उसने आपको 28, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, कितने टर्म्स है 9 टर्म्स है, एन की जगह 1 लगा दिया, डी इक्वल टू 28। अब यह आ गया ए प्लस 8 डी इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा एस इज इक्वल टू 144, एस का मतलब हो गया एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। आराम से खेल देखिए, एस एन की जगह क्या लगाएंगे आप 144, ठीक है, हमें n मालूम है, n कितना है 9 अपॉन टू, इस a की जगह, इस a की जगह लगाएंगे 28 माइनस 8 डी, इस a की जगह लगाएंगे 28 माइनस 8 डी, यहाँ से n की जगह 9, 9 में से 1 गया 8 डी, इसको सॉल्व करेंगे और आपकी डी की वैल्यू आराम से इसके वैल्यू निकल जाएगी। इसमें अननोन क्या रहेगा हमारा, क्या निकालना है, ए निकालना है, क्या निकालना है आपने, ए निकालना है। इसमें डी दे रखा आपको एल के जगह, तो ए प्लस 28, हाँ 28 माइनस 8 डी, तो हमारा डी इससे निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा यहाँ से डी निकल जाएगा 144, 2 जा 288, कर देते हैं आगे में छोड़ेंगे बेकार जाएगा, कोई बात नहीं 144 टू जा 288, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 144 टू जा 288 अपॉन 9।